अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज देखिए, मैं है ना चिकन की रेसिपी बना रही हूँ, जो कि ये बहुत ही स्पेशल चिकन है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही यम्मी बनता है। तो मैं फर्स्ट इसके लिए मैंने ऑनियन को चॉप कर लिया है स्लाइसेस में। अब मैं इसको है ना ऑयल में डीप फ्राई करूँ। ये देखिए हमारी प्याज हो चुकी है, जैसे हम बिरयानी की प्याज फ्राई करते हैं उसी तरह से करनी है, हमें बाहर डालना पड़ेगा, ये बहुत ही होती है। चलिए हम इसको निकालते हैं एक प्लेट में। अब देखिए मैं ये सारी चीज़ों को है ना कोल्ड स्टिक ग्राइंड कर लूँगी। अब देखिए मैंने इसमें ऐड किया है कर्ड, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर इट मीन्स, एंड क्रश्ड कस्तूरी मेथी, और मैंने ऐड किया है लेमन। और मैं अब ऐड करूँगी इसमें ये जो फ्राइड ऑनियन है ना, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इन सारों को मैंने ऐड करके है ना हाफ एन आवर तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना है। अब मैंने ले ली है एक कढ़ाई। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल जो मैंने यूज़ किया था ऑनियन फ्राई करने के लिए, मैं वही ऑयल यूज़ करूँगी। मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना उतना मैंने ऑयल ले लिया है। तो मैं इसको अब गर्म होने के बाद इसमें डालूँगी जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, ये वाला जो पेस्ट ग्रीन जो मसाले वाला, तो मैं अब ये पेस्ट इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने इसमें ना ये जो वाला ये ऐड कर लिया पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा इसको सॉटे करके, इसमें मैं ऐड करूँगी मैरिनेटेड चिकन, जो मैरिनेटेड चिकन है ये मैं इसमें ऐड करूँगी। देखिए मैं इसको है ना थोड़ा अच्छे से भून लूँगी, मैंने चिकन ऐड कर दिया, मैं इसको अच्छे से भूनूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी धनिया, अभी मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा ना जीरा पाउडर। ये देखिए बन गया हमारा यम्मी सा चिकन, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू ऑल।